हाय दोस्तों, यू आर बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो फिल्म रोमांटिक फिल्मों में क्लासिक मानी जाती है और इस फिल्म ने 1991 में रिलीज हुई फिल्मों में से सबसे ज्यादा कामयाब म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म साबित हुई थी। यहाँ दोस्तों, आप सभी ने सही पहचाना, हम आज बात करने जा रहे हैं दिल है कि मानता नहीं के रीमेक के बारे में। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक फैन बेस्ड वीडियो है, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलिएगा। आज का ये वीडियो हमारे कई सारे फॉलोअर्स के सुझाव पर हम बनाने जा रहे हैं। सुपरहिट फिल्म दिल है कि मानता नहीं 1991 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था महेश भट्ट ने और प्रोड्यूस किया था गुलशन कुमार ने। फिल्म की कहानी लिखी थी रॉबिन भट्ट और शरद जोशी ने। फिल्म का पॉपुलर म्यूजिक दिया था मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी नदीम श्रवण ने। इस फिल्म के कई सारे गाने काफी पॉपुलर हुए थे, स्पेशली टाइटल ट्रैक दिल है कि मानता नहीं, ओ मेरे सपनों के सौदागर। इस फिल्म के गाने आज भी काफी पॉपुलर और रिलेवेंट है। इस फिल्म में मुख्य कलाकारों में नजर आए थे आमिर खान रघु जेटली के किरदार में, पूजा भट्ट पूजा धर्मचंद के किरदार में, अनुपम खेर धर्मचंद के किरदार में, टीकू सुल्तानिया डेली तूफान अखबार के एडिटर के किरदार में, राजेश पुरी धर्मचंद के पीए के किरदार में और दीपक तिजोरी ने फिल्म के गाने में स्पेशल अपीयरेंस किया था। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं इस फिल्म से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, कहा जाता है कि ये फिल्म 1956 में आई चोरी चोरी की अनऑफिशियल रीमेक थी। इस फिल्म के टाइटल ट्रैक दिल है कि मानता नहीं के लिए अनुराधा पौडवाल को फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड मिला था। फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर खान और पूजा भट्ट में नजदीकियां बढ़ी थी, बाद में दोनों के बीच दूरियां बढ़ी जिसके बाद दोनों में काफी अनबन हो रही थी। इस फिल्म के बाद आमिर खान ने पूजा भट्ट के साथ और किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। ये दोनों की एकमात्र फिल्म साथ में थी। मुकेश भट्ट आमिर खान और पूजा भट्ट को टॉम एंड जेरी भी बुलाते थे क्योंकि सेट में वे हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। गुलशन कुमार और कुमार शानू के बीच अनबन के चलते गुलशन कुमार ने मार्केट से रिलीज हुए कैसेट्स वापस ले लिए थे क्योंकि इसमें कुमार शानू का गाया गाना था। उन्होंने फिर से मार्केट में गाने रिलीज किए जिसमें बबला मेहता ने गाने गाए थे। बाद में फिर से गुलशन कुमार ने कुमार शानू के गाए गाने को कैसेट्स में फिर से रिलीज किए, साथ ही उन्होंने बबला मेहता के भी कुछ गाने इसमें शामिल किए थे। अनुपम खेर का इस फिल्म का लुक चंकी पांडे के पिता शरद पांडे से इंस्पायर था। दीपक तिजोरी को इस फिल्म में समीर चित्रे के रोल के लिए साइन किया गया था, बाद में उन्होंने ये फिल्म छोड़ दिया। दीपक को ऐसा एहसास हो रहा था कि वे जरूरत से ज्यादा सपोर्टिंग रोल वाला किरदार निभा रहे थे, पर उन्होंने इस फिल्म के एक गाने में स्पेशल अपीयरेंस किया था। कुमार शानू ने मैनो इश्क दा लग गया रोग रिकॉर्ड किया था। बाद में गुलशन कुमार ने इस गाने को अनुराधा पौडवाल से गवाया और कुमार शानू के गाए गाने को स्क्रैप कर दिया। इस बात का कुमार शानू को काफी बुरा लगा। पूजा भट्ट को गाने में लिप सिंक करने में काफी तकलीफ हो रही थी। उससे परफॉर्मेंस निकालने के लिए महेश भट्ट ने पूजा भट्ट को फिल्म से निकाल देने की धमकी दे दी। तो दोस्तों, ये थी फिल्म से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। यदि ये फिल्म आज के जमाने में बनेगी तो इस फिल्म में अहम किरदारों में कौन से एक्टर नजर आएंगे, चलिए जानते हैं। रघु जेटली का इस फिल्म में किरदार निभा सकते हैं टाइगर श्रॉफ, जो एक लाइवली और एनर्जेटिक एक्टर है और यंगस्टर्स को वे काफी अपील करते हैं। वहीं पूजा धर्मचंद का किरदार निभा सकती है ईरा खान, जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की बेटी है। ईरा काफी चुलबुली और शरारती है जो इस किरदार के लिए काफी अहम है। ईरा सोशल मीडिया में भी काफी पॉपुलर है और उनके आए दिन कई सारे पिक्चर्स सोशल मीडिया में वायरल होते रहते हैं। धर्मचंद यानी पूजा के पिता का किरदार निभा सकते हैं अनिल कपूर, जो एक कमाल के झकास एक्टर हैं। साथ ही उनकी कॉमेडी टाइमिंग के साथ इंटेंस एक्टिंग कमाल की है। दीपक कुमार का किरदार निभा सकते हैं राजकुमार राव, जो इस किरदार के लिए सही पसंद होंगे। राजकुमार भी आजकल कई सारे फिल्मों में नजर आ रहे हैं और उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ चुकी है। वे एक वर्सेटाइल एक्टर है और वे इस किरदार को एक नई दिशा देने में कामयाब होंगे। फिल्म के अन्य किरदारों में कुछ नए पुराने चेहरे नजर आ सकते हैं। तो ये थी फिल्म की स्टार कास्ट। अब हम जानते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। पूजा धर्मचंद एक शिपिंग टाइकून सेठ धर्मचंद की बेटी है। वो फिल्म स्टार दीपक कुमार के साथ प्यार में है, लेकिन उसके पिता दीपक कुमार को उसके लिए सही नहीं मानते। पूजा घर से भाग जाती है और दीपक के साथ रहने के लिए बैंगलोर जाने वाली बस में चढ़ जाती है। इस बीच उसे ढूंढने के लिए वे जासूस भेजते हैं।
बस पर पूजा रघु जेटली से मिलती है, जो एक पत्रकार है और जिसने अपना काम खो दिया है। रघु पूजा पर एक विशेष कहानी लिखना चाहता है, जिसके बदले में वो पूजा की मदद करने की पेशकश करता है, जिससे उसका डूबता हुआ करियर पटरी पर आ सकता है। पूजा मजबूरी में उसकी शर्तों के लिए हामी भरती है, क्योंकि रघु पूजा को उसके पिता को उसके ठिकाने के बारे में बताने की धमकी देता है। दोनों की बस छूट जाती है, जिसके बाद रघु और पूजा विभिन्न रोमांचक परिस्थितियों से गुजरते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन रघु खुद को पूजा के सामने छोटा और गरीब समझता है, चाहकर भी वो पूजा को खुद से दूर करने की कोशिश करता है। वहीं पूजा समझती है कि रघु को सिर्फ उसकी कहानी की जरूरत है और वो उससे प्यार नहीं करता है। पूजा घर वापस आती है दीपक से शादी करने के लिए। पूजा के पिता रघु के बारे में तब जानते हैं जब रघु पूजा पर खर्च किए पैसे वापस मांगने के लिए आता है। धर्मचंद को यह पता चलता है कि रघु पूजा से काफी प्यार करता है और पूजा के लिए वो सही पसंद है। पूजा को गलतफहमी होती है कि रघु पैसे के लालच में वहाँ आया है, और ये गलतफहमी धर्मचंद दूर कर देता है। शादी के दिन पूजा को पता चलता है कि वो रघु से काफी प्यार करती है और अपने पिता की मदद से वो शादी के मंडप से रघु के पास भाग जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी फिल्म दिल है की मानता नहीं की रीमेक की। क्योंकि ये फिल्म एक स्टार स्टडेड फिल्म होगी, इसके लिए इस फिल्म का बजट भी काफी बड़ा होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस फिल्म का रीमेक हिट होगी या फ्लॉप? आपके सुझाव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ये भी बताइएगा कि आप आगे किन फिल्मों के रीमेक या सीक्वल देखना पसंद करेंगे। हम इस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा भी यू आर बॉलीवुड के पास आपके लिए बहुत कुछ है। ऊपर दिए गए बॉक्स को दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखें। नीचे दिए गए बॉक्स को दबाने से आप वो वीडियोस देख पाएंगे जो यूट्यूब समझता है कि आपको देखना चाहिए। बगल में दिए गए गोल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।